अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद करल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज हम मौजूद हैं प्रिसेंट 10B की लोकेशन पर, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें 125 गज के प्लॉट्स हैं, उनकी कटिंग है। और इसके बिल्कुल राइट पे हमारा प्रिसेंट 11B आ जाता है, जिसमें 152 गज़ के विलाज हैं और साथ में 125 गज़ के जो प्लॉट्स हैं। बिल्कुल सामने जो विलाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी प्रिसेंट 10B के विलाज हैं, लेकिन बहरिया ने अभी इस डील को लॉन्च नहीं किया, कोई क्लियर पिक्चर इसकी जो है वो सामने पेश नहीं की। अभी हम जैसे ही प्रिसेंट 10B में अभी एंटर हो रहे हैं, तो सामने आपको रोड 1 नज़र आ रहा होगा, इस पर ट्रैवल करेंगे। और साथ में आपको 10B में अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो करंटली स्टेटस चल रहा है, उसके बारे में गाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं इस टाइम पे, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे कितने लोग रहाइश पज़ीर हैं, इसकी सराउंडिंग कैसी है, और क्या फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर मैं ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते हुए यहाँ पे बात करूँ, तो इसके बिल्कुल साथ प्रिसेंट 10A के विलाज हैं 200 गज़ के, जिनके अंदर 80-90% फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। वहाँ पर जो शॉपिंग गैलरी है वो ऑपरेशनल है, और इसके साथ साथ जो मस्जिद है वो ऑपरेशनल है, और 10B और 11B बिल्कुल आमने सामने, और 10A हाइट पे आता है। और यहाँ पे अगर हम इन प्लॉट्स पे खड़े होके इनका व्यू लेना चाहें, तो जस्ट आपको हिली एरियाज वाला व्यू यहाँ से मिलता है। आज यहाँ पे आबादी कम है, लेकिन जैसे जैसे लोग मूव होंगे, सामने वाला BTK पॉइंट आपको यहाँ से नज़र आएगा, जो आपको एक हिली व्यू देता है। ये जो आपको हाइट पे सामने नज़र आ रही हैं लोकेशंस, ये प्रिसेंट 10A के विलाज की लोकेशन है। मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, मस्जिद के बिल्कुल साथ शॉपिंग गैलरी है। और अभी हम मौजूद हैं रोड 10 के ऊपर, और रोड 10 के ऊपर आपको बिल्कुल सामने एक घर बनता हुआ भी नज़र आएगा, और उसके साथ एक रेडी विला भी नज़र आएगा, जिसके अंदर फैमिली जो है वो रहाइश पज़ीर है। यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें इस टाइम पे, तो प्रिसेंट 10A के अंदर जो मिनिमम आपको प्लॉट मिलता है वो 45 लाख में मिलता है, और मैक्सिमम इनके पास 60 लाख प्लस में इस टाइम पे जो है वो मार्केट हो रही हैं। यहाँ पे अगर हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो इन्हीं प्राइसेस के ब्रैकेट में रहते हुए आपको प्लॉट मिल भी जाएगा, और अगर आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो वो सेल भी हो जाएगी। यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें, तो हमें ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीट के अंदर 1 से 2 घर बनते हुए नज़र आएंगे। कुछ घर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि ये विला जो सामने आपको नज़र आएगा, ये काफ़ी पुरानी फैमिली यहाँ पर रह रही है, और यहाँ पर आबादी कम है, लेकिन बहरिया कोई भी प्लेस, कोई भी विला या किसी भी गली के अंदर जब फैमिली कोई मूव होती है, तो वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ देती है, स्ट्रीट लाइट्स और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी सारी प्रोवाइड की जाती हैं। अभी अगर हम मूव करते हैं अभी रोड 8 की तरफ, तो आपको मज़ीद प्रिसेंट 10B के अंदर जो करंटली प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रही है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, और उसके साथ साथ थोड़ा आपको ओवरव्यू मिलेगा रिगार्डिंग प्रिसेंट 10B के फुली डेवलप्ड प्रेसेंट है, और लेवल के प्लॉट्स हैं, और इसका जो टोटली अगर हम एरिया देखते हैं तो बहुत बड़ा प्रेसेंट नहीं है, इसको ऑक्यूपाई होते यहाँ या यहाँ पे रहाइश होते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि ये सामने आपको ये थोड़ा सा, जैसे हम रोड 8 से रोड 9 की तरफ मूव करते हैं, तो सामने स्ट्रीट 10 के अंदर, स्ट्रीट 8 के अंदर, 9 के अंदर आपको लोगों के घर बनते हुए नज़र आएंगे। ये एक बेस्ट टाइम होता है किसी भी जगह पे, किसी भी प्रेसेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या प्लॉट लेना अगर आप चाह रहे हैं, कि जब उसमें जो लोगों की अपनी कंस्ट्रक्शन है वो इनिशियल बेसिस पे है, तो इस टाइम के अंदर आपको जो प्राइसेस होती हैं वो मिनिमम प्राइसेस में प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन जैसा जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ती जाएगी, लोगों का ज़्यादा रुझान इसकी तरफ होगा रहाइश के हवाले से, तो डेफिनेटली इसके प्राइसेस जो है वो यहाँ पे हमें 50 लाख में भी प्लॉट नहीं मिलेगा। ये रोड 6 है, रोड 6 के बिल्कुल सामने अगर आप स्ट्रीट 18 पे देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें एक ग्रे स्ट्रक्चर में विला बनता हुआ नज़र आएगा। सामने बिल्कुल हमारे स्ट्रीट 25A
जो है उस पर एक फैमिली रह रही है, और ये ऑलमोस्ट सबसे पुरानी फैमिली है जो 10B में सबसे पहले जो फैमिली शिफ्ट हुई हैं, दो चार उनमें से एक फैमिली है। यहाँ पे इस टाइम पे जो फैमिलीज रह रही हैं 10 से 15 फैमिलीज रह रही हैं, और घरों की अगर साइट की बात करें तो तकरीबन 40 से 50 घर इस टाइम पर बन रहे हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आएगा। बाकी अगर आप काउंट करते हैं इसमें डिगिंग वगैरह वाले जो फिर अभी इनिशियल स्टेजेस में, तो वो भी बहुत ज़्यादा साइट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, काइंडली पेशेंट 10B के हवाले से या बैरियर टाउन कराची में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के हवाले से कंसल्टेंसी के लिए हमारे साथ रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।